हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से पता कर सकते हो ऑनलाइन क्या आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब फ्री है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर वेब ब्राउजर होता है उसे ओपन कर लेना है, और उसे ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिख कर सर्च करना हुआ जो सर्च करना है वो है UIDAI। ये लिख कर आपने सर्च करना है। ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, इसे लिख कर आपने सर्च कर लेना है। और ये यहाँ पर सर्च हो रहा है, और ये यहाँ पर सर्च हो रहा है, और उसके बाद जो आपके सामने जो सब ये पेज ओपन होता है, और उसके बाद जो आपके सबसे पहला ऑप्शन शो करता है UIDAI, इस पर आपने क्लिक कर दे देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी मदद से आप ऑनलाइन फ्री में अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही पता कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं, और इसी की मदद से आप अपने खाते को भी लिंक कर सक रहे हो। ये आपको आपके आधार खाते की और आपके बैंक अकाउंट के लिंक होने का स्टेटस बताएगा, क्या लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर ये ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है, तो वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो अब आपको करना ये है कि आपको ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अब आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है। तो मैं अब इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जूम कीजिए, और जूम करने के बाद आपको आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस का। यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो ये वेबसाइट बहुत ही बढ़िया है, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं। तो अब आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है, और जूम करने के बाद आपको आपके सामने ये ऑप्शन शो करेंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन के अंदर जो आपका आधार नंबर मांग रहा है, इसके अंदर आपने अपना आधार कार्ड का नंबर भर देना है। और उसके बाद जो उसके सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर है एंटर सिक्योरिटी कोड। ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सिक्योरिटी कोड शो कर रहा है, ये वाला नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपने एंटर कर देना है। ये सभी के लिए अलग अलग शो करेगा, मेरे लिए अलग शो कर रहा है, तो आपके लिए भी अलग शो करेगा। जो आपको ऊपर जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है ये भर देना, ये सभी वेबसाइट में अलग अलग शो करेगा, आपके फ़ोन में अलग शो करेगा, मेरे में अलग करेगा, तो इसे आपने भर देना है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर और ये सिक्योरिटी कोड भर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेंड OTP का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपका बैंक अकाउंट और जो आपका आधार कार्ड है, जिस फ़ोन नंबर आपने वहाँ पर जमा करवाया था आधार कार्ड बनवाते टाइम या बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज के अंदर एक पासवर्ड होगा, यानी कि उसके अंदर एक OTP होगा, और उस OTP आपके फ़ोन में ही आ जाएगा, आपके मैसेज में, जो नंबर आपने आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट में जमा करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर एंटर OTP कर देना है, तो जो आपको पासवर्ड मिलेगा आपके मैसेज में मिल जाएगा, और उसे उस पासवर्ड को आपने यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर एक सबमिट का बटन आ जाएगा, या फिर यहाँ पर आप सीधा ही गो पर क्लिक कर सकते हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शो हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर आपका लिंक होगा तो वहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अगर लिंक नहीं होगा तो वहाँ पर वो भी शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे बड़ी आसानी से ही पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं। तो आप भी चेक कीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए, तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपकी सिम में जो मैसेज आएगा उसको यहाँ पर पासवर्ड भर देना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपका लिंक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।